अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला के फ़ल्ल करम से आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। आज हम जाएंगे किबला बानी डैम को अपने दोस्तों के साथ। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को यह व्लॉग बहुत पसंद आएगा किबला बानी डैम का। आइए चलते हैं किबला बानी डैम को। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी हम गाजी बरोथा नहर पर पहुंच चुके हैं। इससे आगे तकरीबन 10-15 मिनट का रास्ता और है जहां हमने जाना है किबला बानी डैम को जी। माशाल्लाह यह गाजी बरोथा नहर है जी। व्यू चेक करें जी। माशाल्लाह मौसम भी बहुत ही प्यारा है। आज शाम का वक़्त है जी, तकरीबन 5:30 हो चुके हैं। आइए अभी चलते हैं किबला बानी डैम की तरफ। वाह भाई, किबला बानी डैम आए और स्वागत नहीं करोगे हमारा। माशाल्लाह जी, अल्लाह के फजल करम से भी हम किबला बानी डैम पहुंच चुके हैं जी। ये देखें सर, ये तख्ती लगी हुई है जी, जब तामीर हुआ था हुकूमत पंजाब की तरफ से। और ये व्यू चेक करें जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है जी। ये साइड पर कमरे हैं और वो सामने से रास्ता आता है। ये इधर साथ ही कमरा है और ये साथ बैठने की जगह है, अगर कोई खाना शाना इधर खाए या वैसे बैठे टाइम पास के लिए तो। ये जगह है जी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है। और ये साथ मेरे दोस्त हैं जी, ये आबाद खान है और ये साथ ही ऐसा धान। आइए आपको आगे दिखाते हैं जी किबला बानी डैम। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है जी। ये रास्ता जाता है जी आगे की तरफ, एक दीवार सी बनाई गई और साथ में ये लगाए गए हैं जी हिफाजत के लिए, अगर कोई गिरे शिरे नहीं। और वो सामने व्यू चेक करें जी माशाल्लाह। और यह साइड पे डैम है जी सारा किबला बानी। इधर मछलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा हैं, यहाँ पर लोग आते हैं अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम है। दूसरी साइड पर आए हुए हैं जी,
मछेरे आए हुए हैं वो मछलियाँ निकाल रहे हैं पकड़ पकड़ कर जी। माशाल्लाह आगे की तरफ आइए आपको दिखाते हैं सारी जी। अभी क्योंकि सर्दी है इसलिए पानी बहुत कम है वरना ज़्यादा होता है, और ये साइड पे जो पानी ज़्यादा होता है तो वह ये खेतों को लगाते हैं जी। यहाँ पर जो भी पानी ज़्यादा हो तो यहाँ से निकालते हैं और सीधा आगे ज़मीन से ही जाता है आगे, फिर ऐसे खेतों को लगाते हैं जी ये पानी। आइए आपको नीचे जाकर दिखाते हैं ये जगह, ये पानी कैसे साफ़ है या ख़राब है। आइए अभी नीचे नीचे जाते हैं जी। माशाल्लाह इधर से सही दिख रहा है जी डैम। अभी शाम का वक़्त हो रहा है, तकरीबन 4:45 हो गए हैं जी। आइए चलते हैं नीचे, आपको पानी दिखाते हैं पानी कैसा है और किधर से जाता है। नीचे अभी हम पहुंच गए हैं जी ये जगह, ये दोस्त ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और दूसरा दोस्त पाँव धो रहा है। दूर से तो लगता है पानी साफ है जैसा, ये देखें जी ऊपर जंगल है और नीचे से पानी जा रहा है आगे की तरफ ज़मीन से ही जा रहा है। समझ नहीं आ रही जी कि किधर से जा रहा है, मतलब कैसे जा रहे हैं, क्योंकि नीचे देखें नहीं दिखाई दे रहा किस तरफ से जा रहा है। इस तरफ से सीधा आगे जा रहा है जी पानी, खेतों को लोग लगाते हैं फिर सारे, क्योंकि देहात है यहाँ पर। माशाल्लाह जी यहाँ सूरज ग़ुरूब हो रहा है, अभी शाम का वक़्त है जी। अभी घर को भी वापस जाना है क्योंकि अगर और भी इधर रुके तो फिर अंधेरा हो जाएगा, रास्ते भी काफ़ी ख़तरनाक है। माशाल्लाह ये देखें यहाँ से पानी निकल रहा है, जो इजाफी पानी होता है वो फिर यहाँ से निकाल लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता निकलता है जी। ये नज़र नहीं आ रहा है आगे, ये पानी देखें पानी बस साफ भी और मतलब कुछ थोड़ा सा ख़राब भी है। आइए चलते हैं जी दूसरी तरफ जाते हैं, काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं जी, वैसे टाइम पास के लिए आए हैं हम भी यहाँ पर। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जगह है जी ये देखें जी। अभी हम यहाँ पर आ गए हैं दूसरी साइड पर, ये मछेरे यहाँ पर लगाए हुए अपना तंबू शंबू भी, और यहाँ पर ये मछलियाँ निकाल रहे हैं जी। माशाल्लाह ये देखें काफ़ी सारी मछलियाँ निकाल ली हैं इन्होंने। अब ये यहीं पर ठहरेंगे जी रात को, क्योंकि इन्होंने सुबह और भी मछलियाँ निकाल ली हैं और यहीं पर बेचते भी हैं अगर जो लेने आ जाएगा। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ इन्होंने निकाल ली हैं, और मछलियाँ भी छोटी नहीं है, बड़ी मछलियाँ हैं यहाँ। बस जी आपको ये भी दिखाना था कि यहाँ पर मछलियाँ भी होती हैं और निकालते हैं ये मछेरे। अभी हम घर की तरफ चलते हैं जी, बस आज की वीडियो इतनी सी थी। घर की तरफ वापस आ रहे हैं तो दोस्तों ने बोला कि चाय पी कर जानी है जी यहाँ से, क्योंकि अगर यहाँ आए तो चाय नहीं पी तो फिर आए क्यों जी। ये बात तो बिल्कुल ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ल्ल व करम से अभी हम घर पहुंच चुके हैं जी कबलाबानी डैम से। उम्मीद करता हूं आप सब दोस्तों को कबलाबानी डैम का व्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ कि आप दोस्तों को हमारा ये व्लॉग कैसा लगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान।